नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव छठे चरण में पहुंच चुका है और यूपी की जंग पूर्वांचल पहुंच रही है। ऐसे में असली लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होगी और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा नजर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर है, क्योंकि इस सीट पर धर्मेंद्र यादव बनाम दिनेश लाल यादव निरहुआ है। देखना होगा कि दो यादवों की टक्कर में किसकी जीत होती है। लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। जो मोदी पहले 400 की बात करते थे, अब नंबर गेम बोल नहीं रहे और विपक्ष संविधान, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर पर बात कर रहा है। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब बीजेपी 272 सीट ला ले तो बहुत बड़ी बात है, और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपी में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यूपी में बीजेपी को लेकर काफी बवाल है और जनता महंगाई, बेरोजगारी पर बात कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे से फिलहाल भाग रही है। जानकारों की माने तो पांच चरण के चुनाव में बीजेपी को काफी टक्कर मिल रही है और बीजेपी की सांसें अटकी पड़ी हैं। ऐसे में अब चुनाव छठे चरण में पूर्वांचल की तरफ है और पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां पर अखिलेश यादव के साथ दांव पर है और दिनेश लाल यादव निरहुआ दोबारा जीत दर्ज करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ पर देश की मीडिया की निगाहें हैं, तो आज हम आजमगढ़ कौन जीतेगा इस पर बात कर रहे हैं। आजमगढ़ के रण में समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा कूद पड़ा है। मंगलवार को अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं पिछले चार दिनों में सीएम योगी ने निरहुआ के समर्थन में तूफानी दौरा किया। सीएम योगी ने सगड़ी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा। जनता से वोट मांगते हुए निरहुआ अपनी जनसभाओं में अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आजमगढ़ में 1.5 साल में इतना काम हुआ है जितना 70 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ की जनता ने जिनको चुना है वो आजमगढ़ को छोड़कर भाग गए, जीत का प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए। वो जनता के बीच क्या रहेंगे? मैंने जनता से वादा किया था कि आपका निरहुआ आपके बीच रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव और उनके उम्मीदवार धर्मेंद्र पर निरहुआ हमला कर रहे हैं। वहीं मतदान करीब आते ही समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और धर्मेंद्र को जिताने के लिए जनता के पास पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव आजमगढ़ में डेरा डाले हैं और आजमगढ़ के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। संविधान और बेरोजगारी पर बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जाना तय है। आपको जानकारी होगी कि सरायमीर में अखिलेश यादव की जनसभा थी, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि लोग बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़कर समर्थक मंच तक पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए पूरी कोशिश की, जनसभा स्थगित कर दी गई। वहीं यहां पर आजमगढ़ के बगल वाली लोकसभा सीट लालगंज पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गंभीर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो घिसे पिटे डायलॉग बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, उन घिसे पिटे डायलॉग को कोई सुनना नहीं चाहता है। और इस बार जो जनता ने मन बनाया है, ये जो हमारे आपके पीडीए परिवार वाले लोग हैं, ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराने का काम करेगा इस बार। इनकी कौन सी बातें याद दिलाएं? इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली है, इनका हर वादा झूठा निकला। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है, लूट और झूठ के साथ चली है। और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया। हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा खतरा पैदा हुआ है कि वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? बता दो, बताओ कैसे वापस आ सकती है? कम से कम हम बच गए, हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी वो अगर सर्टिफिकेट देखेंगे
तो बताओ सर्टिफिकेट देख करके वोट किसको डालेंगे। और सुना है जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, जो दिल्ली वाले हैं प्रधान सांसद, उन्होंने अपनी तस्वीर सर्टिफिकेट से हटवा ली है। सर्टिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं। आजमगढ़ में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग दिल्ली वालों की, डबल इंजन वालों की। नहीं लग पाई है, वो जानते हैं कि दोनों सीटें सफाई जीतने वाले से नहीं लगाई। लेकिन और शहरों में देखो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले, लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक ही इंजन। और आपने देखा होगा आपको बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए, ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं आप समझ लीजिए, जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543, और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी। 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।